पेपर नंबर टू का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों ना तो पेपर नंबर टू का जो क्वेश्चन नंबर वन था हमारे पास ये हम देखें इसमें दिस सेक्शन एज़ फोर क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का सेक्शन था एंड ईच क्वेश्चन एज फोर ऑप्शन ओनली वन ऑफ दिस फोर ऑप्शन इज करेक्ट सिंगल चॉइस करेक्ट है बच्चों ना एक सवाल के तीन नंबर है नेगेटिव मार्किंग माइनस है ना और बारह नंबर का सवाल बारह नंबर का सेक्शन हमारे पास है तो पेपर नंबर टू का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं बच्चों को ना ये एक तो लेबनीज सोरम पर बेस्ड है जिसमें हम इंटिकल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं लेबनीज सोरम का यूज़ करके और एक थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है ना आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा इसको मैं ना तो हमें एक तो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि एफ ओ वन बराबर वन बाई थ्री है और एक ये इंटिकल दिया हुआ है ना तो बस इसको मैं यहाँ से डिफ्रेंश कर दूंगा और डिफरेंशिएट करके मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा और फंक्शन निकालूंगा उसमें कॉन्स्टेंट ऑफ़ इंटीकेशन कुछ आएगा तो कॉन्सटेंट ऑफ इंटीगेशन को मैं यहाँ से निकाल लूंगा और हमें दिया हुआ है कि एक्स वन से बड़ा है ये हमें दिया हुआ है ना डोमेन में जो है हमारे पास एक्स इज ग्रटन इक्वल टू वन एंड ई डो नॉट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम जो भी हमारे पास यहाँ के लिख रखा है आंसर में तो ई इज़ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं ना स्टार्ट करने के लिए ये फंक्शन दिया हुआ है हमें नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इंटीगल को डिफ्रेंशिएट हैं वी आर यूजिंग लेवनीज थ्योरम तो तीन तो कॉन्स्टेंट रहा हमने टी को रिप्लेस किया अपर लिमिट से को रिप्लेस किया अपर लिमिट से डेरिवेटिव अपर लिमिट इज़ वन टी को रिप्लेस किया लोअर लिमिट से डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज जीरो और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने प्रोडक्ट रूल लगाने पर डिफ्रेंशिएट करने पर यह आ गया एक बार एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया एक बार एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्वेश्चन ये आ गई हमारे पास अब इसमें मैं क्या करता हूँ एफ एक्स को वाई मान लेता हूँ तो रीडेबिलिटी आसान रहेगी ना तो मैंने एफ एक्स को मान लिया वाई और एफडेस एक्स क्या हो गया डीवाई बाई डी एक्स हो गया तो दिस इज एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू आए और एक्स स्क्वायर को उधर इंटरचेंज कर लिया तो एक्स स्क्वायर आ गया नौ मैंने से डिवाइड कर दिया दिस विल बिकम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बस अब तो आसान हो गया लीनियर आते ही तो मज़ा आ जाता है अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया आसान आ गया तो इंटिकेटिंग फैक्टर इंटिकेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालूंगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स

टू माइनस एलन एक्स टू इंटू माइनस टू इंटू एलन एक्स एंड इट विल कम आउट टू बी वन बाई एक्सर तो दिस इज द इंटिकेटिंग फैक्टर नाउ द सोल्यूशन ऑफ दिसियल इक्वेशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज वाई इंटू इंटिकेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटिकल जो क्यू ओपन बोलते ना दिस क्यू इज दिस ये कितना आ जाएगा बच्चों में ये आ जाएगा एक्स आ जाएगा ना ये एक्स लिखना है मुझे यहां दिस इज एक्स

और प्लस कितना आ गया था सी एक्स स्क्वायर आ गया था शायद सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एलन एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बस इस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ कर लिया हमने एक्स को वन रखूँगा तो वाई वन बाई थ्री आ जाएगा ना तो वाई वन बाई थ्री आ गया और एक्स को वन रखा तो जीरो आ गया सी वन आ गया एक्स को वन रखा तो यह आ गया तो सी इजगल टू वन बाई थ्री आ गया इस सी इजल टू वन बाई थ्री को रख दो बस सब यहाँ जैसे सी को वन बाई थ्री रखूंगा वाट वी गेट वाई इजगल टू एक्स स्क्वायर इंटू एलन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री आ गया Now what do we have to do we have to just calculate the value of f of e and what is y is y is basically f x. Now we want to calculate the value of uh, this function at x is equal to e. So simply we substitute x by e in order to calculate the value of f of v e. and that is e square and plus e square by three that is four e square by three. So answer of this question is four e square by three. Four e square by three is the correct answer. तो आसान की कैटेगरी में बच्चों ने जिसने सवाल को देखा होगा ध्यान से हमेशा आपको समझाते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं आप साल भर ही समझाते रहते हैं जो आसान सवाल आए पहले उनको पिक कर लो आप उनको कर लो कॉन्फिडेंस आ जाता है और अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोबेबिलिटी uh, से ना कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन रिपीटेडली यानी एक कॉइन को मैं रिपीटेडली टॉस कर रहा हूं टिल द आउटकम्स ऑफ टू कंजीगेटिव टॉसेज आर सेम यानी तब तक उछालता रहूंगा जब तक दो कंजिव टॉसेज का आ, सेम नहीं आ जाए मतलब दोनों हेड आ जाए लगातार या दोनों टेल आ जाए ना तो एक्सपेरिमेंट में तब तक करता रहूंगा या तो दो हेड आ जाए लगातार दो लगातार हेड मिले या दो लगातार टेल मिले मुझे ना ये यह यहां तक समझ में आ ना इफ द प्रोबलिटी ऑफ अ रैंडम टॉस रिजल्टिंग इन हेड इज वन बाई थ्री यानी अगर मैं कोइन को टॉस कर रहा हूं तो उसके हेड आने की दे रखी वन बाई थ्री यानी कॉइन फेयर नहीं है इसका मतलब अरबा तो हेड आने की प्रॉबर्टी वन बाई थ्री है तो टेल आने की ऑब्वियस से प्रॉब्लिटी अब बाई थ्री हो जाएगी ना देन द दे दैट दे द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट है वो हेड आने पर लास्ट में जो उसके हेड आया हो ना लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम कॉइन को तब तक उछाल रहे हैं जब तक कि दो कंसेक्यूटिव टॉसेस के रिजल्ट सेम नहीं आ जाए ना तो दो हेड चाहिए या दो टेल चाहिए ना लेकिन एक्सपेरिमेंट एंड कब होगा जब लास्ट में हेड आया हो तो अगर लास्ट में हेड आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट में भी हेड आएगा और जस्ट पहले वाले में भी, भी क्या आएगा हेड आएगा तभी दो कंजगेटिव टॉसेस का रिजल्ट सेम आएंगे तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि दो कंजेटिव हेड चाहिए अपने ना लेकिन शुरुआत में जो है वो हेड से भी शुरुआत हो सकती है और शुरुआत में जब फर्स्ट टॉस होगा ना जब मैं कोइन को पहली बार उछालूंगा तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है तो ऐसा बोल सकते हैं जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी प्रॉबलिटी रिक्वायर्ड उसमें हम केसेस बना सकते हैं और केसेस बना के देख सकते हैं या तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास आ जाए केसेस इस तरह से बने कि पहले हेड आ जाए हेड हेड हो जाए ना प्लस या फिर हेड आ गया फिर टेल आ गया फिर दो हेड आ गए ना यानी हमने दो हेड पर तो हेड पर तो एंड करना ही है और अगर हेड पर एंड होगा तो उसके जिस पहले में भी हेड आएगा लेकिन हम ये फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं जब हमने जब कॉइन को पहली बार टोस् किया तो उसमें पहले उछाल में जो है हमारा हेड आ गया तो हेड हेड आ गया या एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया या हेड के बाद फिर टेल आ गया फिर डबल हेड आ गया या फिर हेड के बाद टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर डबल हेड आ गया हो इस तरह से इंफारेट तक चलता रहेगा इसके बाद या फिर ऐसा हो सकता है ना या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत टेल से हुई हो मैंने कॉइन को टॉस किया टेल आ गया हमारे पास और कॉइन को टॉस किया टेल आ गया प्लस उसको कंटीनशन में लिखने की जगह मैं यहां से लिख रहा हूं ना और टेल के बाद वापस क्या आ गया हेडेड आ गया या फिर टेल आ गया फिर हेड आ गया फिर टेल आ गया फिर हेडेड आ गया या हो सकता है टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर दो हेड आ गए हो, हो इस तरह से लाइक वाइज आगे तक चलता रहेगा ना बस अब ये एक इन्फानेट जीपी बन जाएगी बच्चों हमारे पास है ना अगर हम इस जीपी की बात करें ये भी इन्फानेट जीपी है ये इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा देखो आप और ये इसका कॉमन रेशो आ जाएगा एच एन टी क्योंकि तो फिर इसको अगर मैं एच इन टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना तो ये इन्फानट जी बी जिसका फर्स्ट टर्म डबल एच और जो कॉमन रेशो है वो एच इन टी आ जाएगा ये भी एक इन्फानट जी बी बनेगी और इसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म जो आएगा वो आ जाएगा इस इन्फानट जी बी का फर्स्ट टर्म ये है और अगर हम बात करेंगे तो इसमें ये कितना आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म और अगेन इसको मैंने कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दी इसका कॉमन रेशो ये आ जाएगा तो यही मैंने दिखा रखा है आगे देखो आपको ये वो कैसेस लिख दिए मैंने जो मैंने लिखाया था आपको फर्स्ट टर्म आ गया डबल एच और कॉमन रेशो आ गया एच इन टी इसका फर्स्ट टर्म आएगा टी एच एच और वो कॉमन रेशो आ जाएगा टी इंटू एच तो इसमें हमने क्या करा इन्फानेट जी का सम निकाली इस इन्फानेट जी का सम ही आ गया और इस इन्फानेट जीबी का सम ही आ जाएगा ना तो समय में आ गया ना इसका फर्स्ट टर्म मान लिया हमने फर्स्ट टर्म इज डबल हेड हेड इंटू हेड और जो कॉमन रेशो मान लिया वो मान लिया हेड इन टू टी हेड इंटू टेल और इस इन्फानेट जी का फर्मला लगा दिया ऐसे ये जो इन्फानेट जी बनेगी इसका फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने टी एच एच और जो कॉमन रेशो आ रहा है वो अगेन टी इंटू एच आ रहा है ना तो इस इन्फानाट जीबी का सामने ऐसा निकाल लिया बस इनका डिनोमिनेटर डिनोमीटर सेम था तो इनको ऐड कर लिया ऐड करने पर ये आ गया एंड सिंपली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई थ्री और टेल आने की प्रोबेबिलिटी टू बाई थ्री है तो वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री टू बाई थ्री वन बाई थ्री वन बाई थ्री और नीचे आ गया वन माइनस टू बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री कैलकुलेट किया सिंप्लीफाई करने परी फाइव बाई ट्वेंटी वन आ जाएगा तो दिस विल द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं ना आसान था वैसे इस तरह के सवाल करते हैं अपन फिर भी जो है मान लो कोई बच्चा नहीं सोच पाया तो मॉडरेट की कॉर्डिन देख सकते हैं ना थर्ड पर आते हैं बच्चों ना थर्ड क्वेश्चन अगेन इनवर्स टिक्नोमेटिक्स से रिलेटेड आ गया ये इस तरह का सवाल क्लास में करवाते हैं हम आपको ना टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर या टू एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन एंड कॉर्डिनवर्स ऑफ टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स बस उसमें फर्क होता है टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन था और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन पॉइंट टू एक्स का क्लास रिलिस्टेशन का सवाल मान सकते हैं इसको बने हमें द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशंस निकालना है ना यानी ये जो इक्वेशन है जितने सोल्यूशन आएंगे उनका मुझे सम कैलकुलेट करना है ना कंडीशन दी हुई कि मोड़ वाई जो है वो तीन से छोटा है लेकिन जीरो से बड़ा है क्योंकि ओबिस से बात है इसका मतलब है कि वाई जीरो नहीं हो सकता उसका रीजन दिख रहा है वाई केन नॉट भी जीरो जो वाई की वैल्यू आएगी ना बच्चों यहाँ से वो वाई इज द एलिमेंट ऑफ माइनस थ्री से थ्री एक्सक्लूडिंग जीरो अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअली अगर ये एक्स है ना या इसको मैं एक्स मानता हूं तो ये वन बाय है ना यानी एक दूसरे के रेसिपो है और हम ये जानते हैं कंसेप्ट लगाने वाले हैं हम कॉर्ड इनवर्स ऑफ एक्स को कॉर्ड इनवर्स ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज इनवर्स ऑफ रिटर्न अगेन टर्न इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स हम जानते हैं अगर एक्स पॉजिटिव होगा ना तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती डायरेक्टली इसको ऐसा लिखा जा सकता है और अगर एक्स नेगेटिव है तो हम जानते हैं भाई ये तो नेगेटिव कभी होता नहीं है और अगर ये नेगेटिव आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई प्लस करना पड़ता है बस ये कंसेप्ट लगाना है आप तो हमें क्या करना है इसको एक बार पॉजिटिव मान के चलना है और इसको एक बार नेगेटिव मान के चलना है ना तो पॉजिटिव अगर मैं लूंगा तो ये पॉजिटिव कब होगा देखो आप क्योंकि तो अगर वाई माइनस तीन से तीन के बीच में तो ये तो नेगेटिव होने वाला का भी नहीं है नाइन माइनस वाई स्क्वायर बस वाई को मुझे इंश्योर करना है तो दो केसेस कंसिडर करके चलूंगा फर्स्ट केस कंसिडर करूंगा कि वाई जीरो से थ्री में है और सेकेंड केस में कंसिडर करके चलूंगा जब वाई माइनस तीन से जीरो में ना इस इंटरवल के अंदर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और इस इंटरवल के अंदर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मैं कॉर्ड इनवर्स ऑफ एक्स को ऐसा लिख दूंगा और जब ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो इसको लिखूंगा पाई प्लस ट्रेन इन्वर्स ऑफ वन बाई एक्स ये करने वाला हूँ मैं ना तो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर वही हमने केस नंबर वन कंसिडर कर लिया केस नंबर वन में ले लिया वाई जीरो से माइनस तीन के बीच में है यानी वो जो क्वांटिटी थी हमारे पास नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉइंट सिक्स वाई वो बच्चों लेस देन जीरो हो गई ना और जैसे लेस देन जीरो हो गई तो उस कॉर्ड इनवर्स एक्स को क्या लिखा हमने पाई प्लस एंड इनवर्स वन बाई एक्स लिख दिया ना अब देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए तो ये टू टाइम्स आ गया इस पाई को मैंने इंटरचेंज किया तो माइनस फाइव बाई थ्री आ गया इस टू से डिवाइड कर दो आप तो माइनस का पाई बाई सिक्स आएगा और इनवर्स टिक्नोमेट्री को टिक्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दो तो सिक्स वाई अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर इजीगल टू टेन जेटो माइनस फाइव बाई सिक्स ये ऐसा आ गया बच्चों देखो ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये क्वारिटिक में कन्वर्ट कर लिया इसको ना और क्वारिटिक में कन्वर्ट करने पर ही आ गया हमारे पास अब इसमें हमारे पास y इसको सोल्व कर लेते हैं यहां से इसको अगर मैं यहां सोल्व कर लूंगा ना तो बेसिकली आ जाएगा वाई माइनस थ्री रूट थ्री होली स्क्वायर ये ऐसा आ जाएगा देखो आप अब इसमें ट्वेंटी सेवन आ गया मुझे माइनस नाइन चाहिए तो माइनस थर्टी सिक्स आ जाएगा माइनस थर्टी सिक्स बराबर जीरो बस मैं यहां से निकाल सकता हूं वाई माइनस थ्री रूट थ्री इजिकल टू प्लस माइनस सिक्स रखा नेगेटिव तो, तो नहीं सकते इंटरवल के अंदर है ना ये एक सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास तो सोल्यूशन आ गया ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आ गया थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स अब सेकेंड केस में ये आ गए बच्चों पर जब वाई जीरो से तीन के बीच में है। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास थी सिक्स माइनस वाई स्क्र नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्स वाई ये क्वांटिटी क्या होगा यह पॉजिटिव हो गई तो सिंपली जो कॉर्ड इनवर्स ऑफ एक्स था ना हमारे पास उसको टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स कर दिया हमने आ रहा होगा समझ में मेरे हिसाब से ये जो इक्वेशन हमारे पास था अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो इस कॉर्ड इनवर्स ऑफ एक्स को सिंपली क्या लिखूंगा मैं टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एक्स कर दूंगा और जैसे इसको अगर एक्स बोलूंगा तो वन बाय एक्स ही बन जाएगा तो ये टेन इनवर्स दो बार आ जाएगा हमारे पास है ना वही टेन इनवर्स दो बार आ गया बस हमारे पास तो दो बार आ गया ना वो तो टू बाई वे थ्री था ही सही ना तो टू से मैंने कैंसिल आउट किया इसको पाई वे थ्री आ गया फिर इज इन्वेस्ट टिक नंबर इनवर्स को टेनमर टेन में कन्वर्ट कर दिया तो रूट आ गया ना बस यहाँ से अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उसको तो कैलकुलेट करने पर कितना आ गया हमारे पास टू रूट थ्री इंटू बाय और इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई, वाई स्क्वायर ये रूट थ्री से कैंसिल कर दिया मैंने सिक्स को ना और बस इसको क्वालिटी बन गई अगेन दो वैल्यू आएंगी वाई स्क्वायर प्लस टू रूट थ्री इंटू बाय और माइनस नाइन बराबर जीरो और ध्यान से देखें तो ये कितना बनेगा वाई प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो इससे प्लस थ्री आएगा और मुझे माइनस नाइन चाहिए था तो माइनस ट्वेल्व लिख देता हूं मैं ना यह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया इसको एंड वी गेट वाई प्लस रूट थ्री इजीगल टू प्लस माइनस टू रूट थ्री तो प्लस साइन अगर मैं लूंगा बच्चों तो वाई इजीगल टू रूट थ्री आ जाएगा और अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो वी गेट वाई इजीगल टू माइनस का थ्री रूट थ्री लेकिन वाई को हमने पॉजिटिव एज्यूम कर रखा है ना और वाई अगर पॉजिटिव है तो दिस इज द एक्सेप्टेबल आंसर तो दो केस कंसिडर किए बच्चों हमने ना एक में आंसर आया हमारे पास एक केस में आंसर आ गया हमारे पास एक केस में फर्स्ट वाला केस जो था उसमें आंसर आया था हमारे पास फर्स्ट वाले केस में आंसर आया था फर्स्ट वाले केस को अगर हम देखें तो उसमें तो आंसर आया था थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स और सेकंड केस में आंसर क्या आया बच्चा रूट थ्री आ गया ना बस उनको जोड़ दो आप तो फर्स्ट केस में आया थ्री रूट थ्री माइनस सिक्स और सेकंड केस में आ गया रूट थ्री बस इनको ऐड कर दिया मैंने एनवी गेट फोर रूट थ्री माइनस सिक्स दिस इज़ द सम ऑफ़ दॉल्यूशन्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन दिस विल बी द करेक्ट आंसर अब जिस ऑप्शन में ही होगा उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे अपने तो दिस इज़ फोर रूट थ्री माइनस सिक्स इज़ द करेक्ट आंसर तो ये भी जिन बच्चों ने जैसे क्लास में क्लास नोट्स रेफर करते हैं तो उन लोगों के लिए ये अच्छा सवाल है ना और उनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी शायद क्लास नोट्स भी सवाल भी किए होंगे रिविजन भी किया होगा तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है उसमें वादा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं ना लेट द पॉजिशन वैक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस बी ए वैक्टर पी का पॉलिशन वैक्टर है पी के लिए ए यूज़ कर रखा है क्यू के लिए बी यूज़ कर रखा है और आर के लिए सी यूज़ कर रखा है और एस के लिए डी यूज कर रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ये पता लगाना है अपनों को ना तो एक तो पी क्यू आर कोप्लेनर है नहीं है ये पता लगाना है बच्चों और इसके लिए हम क्या करेंगे चार पॉइंट पता लगाने है कोप्लेनर है क्या चारों के पॉजिशन वैक्टर पता है तो बेसिकली इन चार पॉइंट से मैं तीन वैक्टर बना लूंगा और उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लूंगा इसके अलग ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लूंगा अगर जीरो आ रहा होगा तो वो कॉप्लेनर हो जाएंगे ना एक मुझे चेक करना है कि ये मैं बी प्लस टू डी ए थ्री कैलकुलेट करूंगा और पता लगाना है दिस इज द पॉडिशन वैक्टर अ पॉइंट डिवाइडिंग पी आर इंटरनली इन द रेश ऑफ फाइव इज टू फोर और यहाँ रेशो यहाँ इंटरनली लिखा हुआ है या एक्सटर्नली लिखा हुआ है ना तो ये दो अलग अलग बार नहीं करना पड़ेगा मुझे ना और एक मुझे स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर बी क्रॉस डी निकाल ये तो सिंपल है ना बी वैक्टर मुझे दिया हुआ है डी <coughs> वैक्टर मुझे दिया हुआ है बी क्रॉस जी निकाल लूंगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा मैंने तो सबसे पहले मैं पी क्यू आर एस की बात करता हूँ <coughs> तो पी क्यू आर एस के पोलिशन वैक्टर हमारे पास है ना तो उससे मैंने पी क्यू वैक्टर निकाल लिया बच्चों देखो आप ये पी क्यू वैक्टर आ जाएगा हमारे पास फिर पी आर वैक्टर निकाल लिया मैंने और उसके बाद पी एस वैक्टर निकाल लिया अब अगर वो चारों पॉइंट कोप्लेनर है तो ये तीनों वैक्टर क्या आने चाहिए एक प्लेन में आना चाहिए ना तो हमने क्या करा इन तीनों वैक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लिया बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लिया तो उसको कैलकुलेट अगर मैं करूंगा तो यहां से ऐसे निकाल सकते हैं ना बॉक्स ऑफ पी क्यू वैक्टर बॉक्स ऑफ पी आर वैक्टर एंड बॉक्स ऑफ पी एस वैक्टर डिटर्मिन बना दिया मैंने ये टू फोर एट आ जाएगा दिस इज टू फोर एट या आ जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव दैट इज सिक्स बाई फाइव एंड दैट इज़ ट्व और लास्ट अगर हम देखें तो वन माइनस वन सिक्स आ जाएगा तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्स्ट रो में से जैसे हम चाहें तो टू बाहर निकाल लें और सेकेंड रो में से चाहो तो सिक्स बाई फाइव बाहर निकाल लो जैसे तो फर्स्ट रो में से मैंने टू बाहर निकाल लिया तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी बच्चों वन टू फोर हो जाएगी ना और सेकेंड रो में से क्या करो सिक्स बाई फाइव को बाहर निकाल लो तो यहाँ टू आ जाएगा यहाँ वन आ जाएगा और यहाँ टेन आ जाएगा बाकी में कोई चेंज किया नहीं है वन माइनस वन सिक्स तो ऐसा आ गया बच्चों ना ये ट्वेल्व बाई फाइव ऐसा आ जाएगा वन टू फोर आ गया टू वन टेन आ गया वन माइनस वन सिक्स आ गया बस अब इसको एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करने पर वैल्यू जीरो आ जाती है ना दरफॉर वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोप्लेनर देरफॉर ए ऑप्शन इज इन करेक्ट ए इज इन करेक्ट अब मुझे चेक करना है बी प्लस टू डी अपॉन थ्री तो क्लियर कट बी दिया हुआ है क्लियर कट डी दिया हुआ है बी प्लस टू डी अपॉन थ्री निकाल सकता हूं फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं पी आर को फाइव इस टू फोर में डिवाइड करने वाले इंटरनली डिवाइड करने वाला एक पॉइंट निकाल लूंगा ये चेक कर लेता हूं अगर ये सही आ गया तो वो गलत आ जाएगा अगर ये गलत आएगा तो फिर वो चेक कर लेंगे अपन बाद में ना तो बी प्लस टू डी अपन थ्री मुझे कैलकुलेट करना है ना तो बी प्लस टू डी अपॉन थ्री बच्चों ही आ जाता है ना और अगर मैं पी आर की बात करूं तो पी आर को पी आर का पॉजिशन फैक्टर ए हमारे पास और आर का पॉजिशन फैक्टर सी है इसको फाइव इस टू फोर में डिवाइड करना है इंटरनली तो जो भी पॉइंट आएगा उसका पॉजिशन फैक्टर निकाल सकता हूं मैं तो ये जो पॉइंट आएगा इसको अगर मैं टी मान लूँ तो टी का जो पॉजिशन फैक्टर आने वाला है दैट इज फाइव टाइम्स ऑफ सी वैक्टर प्लस फोर टाइम्स ऑफ ए वैक्टर अपॉन नाइन अब ए और सी आपको दे रखे तो जैसे ही मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो अगेन ये आ जाएगा हमारे पास ये दोनों सेम आ जाएंगे ना और वही अगर मैं तीन से सब तीन के फैक्टर हैं तीन अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो नाइन से थ्री आ जाएगा या सेवन आ जाएगा या एट आ जाएगा फाइव तो दोनों मैच कर गए बच्चों है ना इसका मतलब दिस इज द पॉजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट विच divides लाइन सेगमेंट पी आर इन द रेशो ऑफ फाइव इज़ टू फोर इंटरनली दरफर हम बोल सकते हैं कि बी इज़ द करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर तो एक तो ए इनकर हो गया ना ए इनकरेक्ट हो गया बी करेक्ट हो गया है ना उसके बाद हम देख सकते हैं वैसे सिंगल चॉइस है ना ऊपर लिखा हुआ है तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है और ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना वरना अगर ये निकालोगे ना आप तो मेरे हिसाब से नाइनटी नाइन आ जाता है ना आई नाइनी नाइन वैसे सिंगल चॉइस करेक्ट है एक आने के बाद अपन दूसरा कोई निकाल के नहीं देखा मेरे हिसाब से ना वरना निकाल सकते हैं बी क्रॉस डी अगर मैं निकालना चाहूँ तो बी क्रॉस डी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा और बी क्रॉस डी का स्क्वायर नाइन्टी नाइन आ जाएगा एंड डी इज़ द इनकरेक्ट आंसर तो इस तरह से ये भी मैं आसान की कैटेगरी में मानूंगा सिंपल सी नॉलेज भी अगर होती है वैक्टर की अपने को सब जानते हैं बच्चे ना सब ने किया हुआ लगता है मुझे सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम आगे हम सेक्शन टू पर आ गए ट्वेल्व मार्क्स का है भी क्वेश्चन है इसके अंदर ना एंड दिस तो इसमें दिया हुआ है हमें न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप वन वन और मोर देन वन करेक्ट वन और मोर देन वन करेक्ट वन ऑफ द दीज फोर ऑप्शन तो उसमें वही हम जानते हैं ना जो स्कीम हमारे पास है तो इसमें तीन सवाल हमारे पास हैं थ्री क्वेश्चन एक सवाल चार नंबर का है और बाकी मार्किंग स्कीम से आप फेमिलियर हैं आपने देखा ही होगा निकाल के डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना तो इसमें ये मेट्रिक से रिलेटेड सवाल है जब भी मॉडरेट कैटेगरी में आता है ना इसमें ये थोड़ा सा इनको सोच बस ये थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा आपने को फर्स्ट वाई ए बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अदरवाइज बाकी दो स्टेट फॉरवर्ड है उनको हम निकाल सकते हैं चाहे तो उनको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी ना तो इसमें एम दे रखा है थ्री बाई थ्री का मैट्रिक्स है ना उसमें इसको दे रखा है जनरल एलिमेंट ए आई जे से डिफाइन कर रखा है और ए आई जे इजिकल टू वन इफ आई रो को डिनोट कर रहा है और जे बेसिकली कॉलम को डिनोट कर रहा है ए आई जे की वैल्यू वन कब होगी इफ जे प्लस वन इज डीजल बाई आई अदरवाइज ए आई जे जीरो हो जाएगा ना तो पहले मैं मैट्रिक्स पहले मैं मैट्रिक्स एम बना लेता हूं ना ये मैट्रिक्स एम को लिख दिया मैंने ये वन वन ये वन टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री अब इसमें देखता हूं ये जो एलिमेंट है ना इसमें जे बराबर क्या बने ये इन सबके लिए आई बराबर वन होगा अब अगर आई बराबर वन है तो यहां जे प्लस वन कुछ भी आ जाए जे प्लस वन हमेशा वन से डिवाइड होगा ना तो इन सारे एलिमेंट के अंदर जे प्लस वन इज डिविजिबल बाय आई तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों वन आ जाएगी ना अब यहां देखो यहां जे प्लस वन कितना आएगा टू आएगा तो टू टू से डिवाइड हो रहा है तो यहां वन आ जाएगा अब यहां जे प्लस वन थ्री आएगा तो टू से डिवाइड नहीं होगा तो यहां जीरो आ जाएगा ऐसे यहां जे प्लस वन फोर आ जाएगा तो यहां वन आ जाएगा ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा तो जीरो वन जीरो आ जाएगा अब मुझे चेक करना है कि जो ये ऑप्शन हमारे पास है मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल है या नहीं है ना

ये हमारे पास टू है ये आई लिखा हुआ है ना तो अगर मैंने सिम्प्लीफाई किया तो बेसिकली वन माइनस टू माइनस वन आ गया ये वन आ गया यहां भी वन आ जाएगा यहां आ जाएगा हमारे पास वन फिर यहाँ माइनस टू आ जाएगा यहां आ जाएगा वन फिर आएगा हमारे पास जीरो दैट इज इक्वल टू अगेन जीरो दैट इज़ वन एंड दैट इज़ माइनस टू तो ये आ गया बच्चों एम माइनस टू आई डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका तो अगेन मैंने एम माइनस टू आएगा डिटर्मिनेंट निकाला तो वापस जीरो आ गया ना तो अगेन ये जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिबल आ गया ना नॉन इन्वर्टिबल तो उसमें ध्यान से देखें अपन ए ऑप्शन गलत है मतलब उसको टिक नहीं कर सकते हम क्योंकि करेक्ट वाला टिक करना है ट्रू वाला हमें ये टिक नहीं कर सकते और इसमें ये इन्वर्टिबल है ये भी इनकरेक्ट हमारे पास है क्योंकि वो तो नॉन इन्वर्टिबल आ रहा है ना अब ये चेक करने हैं मेरा तो उसमें क्या है देर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो मैट्रिक्स नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स दिस सच दैट एम यानी अगर नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स को एम से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो ऐसा आ रहा है अगर

और हम चाहते हैं ये देखना है कि ये प्रोडक्ट कभी इसके बराबर आ सकता है क्या क्या कम से कम ऐसा कोई एक कॉलम मैट्रिक्स नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा क्या कि ये प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाए तो ये एम हमारे पास लिखा हुआ है ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये इसके बराबर हम चाहते हैं बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया ना तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री इजिकल टू माइनस एवन फिर सेकेंड रो को मैं इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तब की बार कएगा ए वन प्लस ए थ्रू आ जाएगा ए थ्री आ जाए और माइनस ए टू आ जाएगा फिर अगर मैं इस लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वाट इज गेट ए टू बराबर माइनस ए थ्री आ जाएगा ना तो ध्यान से देखें अगर ए टू प्लस ए थ्री बराबर जीरो हो गया इसका मतलब और अगर ए टू प्लस ए थ्री बराबर जीरो है तो यहां से देखो आप अगर ए टू प्लस ए थ्री बराबर जीरो होगा ना तो यहां से एवन बराबर क्या आ जाएगा जीरो जा आ जाएगा जा जा। तो यहां से एवन बराबर जीरो आ जाएगा तो एवन बराबर जीरो आ गया यहां से देख सकते हैं अगर ए टू प्लस ए थ्री बराबर जीरो है तो एवन बराबर वहां से भी जीरो आ जाएगा प्ला तो एक तो एवन बराबर जीरो आ गया और एक ए टू प्लस ए थ्री बराबर जीरो आ गया अब ऐसे तो इनफाइन मेट्रिक आ सकते हैं हमारे पास जिनमें ए वन जीरो है और ए टू प्लस ए थ्री जीरो है तो हालांकि ठीक है वो उसमें ऐसा कोई कॉलम मेट्रिक्स बनेगा जिससे सारे एलिमेंट जीरो भी आ जाए लेकिन हमें नॉन जीरो वाला देखना है ना कि क्या कम से कम एक भी ऐसा कोई नॉन जीरो कॉलम मेट्रिक्स बन सकता है क्या कि ये मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाए तो हाँ बिल्कुल बन सकता है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए वन को जो है ए वन को जीरो ले लें ए टू को वन ले लें थ्री को माइनस वन ले लें ए वन को जीरो ए वन तो जीरो आई गया ए टू को वन ले लू और ए थ्री को माइनस वन ले लू तो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स आ जा जाएगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा हमारे पास तो ये बी इज द करेक्ट आंसर बी जो है वो बच्चों सही है ना ऐसा कम से कम कोई एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा एक तो ये सही है ना ऐसे मुझे ये निकालना है ना अब ये क्या है सेट डिफाइन कर रखा है उन्होंने इस सेट में क्या मैट्रिक्स है मेट्राइस हमारे पास एक्स है है ना और हमें दे रखा है वो थ्री बाई थ्री का है और ये बेसिकली ओ लिख रखा है इन्होंने ना तो ये नल मेट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास थ्री बाई वन का तो हमें देखना है कि अगेन इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो मैट्रिक्स एक्स होंगे और उससे इस तरह से होंगे कि एम इन टू एक्स एक नल मेट्रिक्स आ जाए लेकिन जो मैट्रिक्स आएंगे हमें देखना है कि क्या वो नॉट इक्वल टू दिस कर्ली ब्रैकेट लगा रखा है ना इसमें मतलब एक नल मेट्रिक्स हमारे पास है तो जो एमेट्रिक्स एक्स आएगा हमें चेक करना है कि क्या ऐसा कोई नॉन जीरो जीरोस मेट्रिक्स पॉसिबल है क्या एम इंटू एक्स बराबर जीरो आ जाए भाई अगर एक्स नल मेट्रिक्स हो जाएगा ना अगर एक्स नल मेट्रिक्स हो गया तब तो जीरो आएगा आएगा हमें ये चेक करना है कि क्या ऐसा कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या ऑब से बात है एक्स का जो ऑर्डर है वो थ्री बाई वन ही होगा ऐसा कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या उसको अगर मैं एम से प्री मल्टीप्लाई करता हूं एम से प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या उनका प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा तो वो सेम तरीका है एम इंटू एक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एम हमारे पास है और ये एक्स हमारे पास है ये कॉलम मैट्रिक्स मान लिया हमने और हम देख रहे हैं कि भाई क्या ऐसा कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स ये एग्जिस्ट कर सकता है क्या कि ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ जाए तो वही सेम तरीका लगा दिया हमने फ़र्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो, तो ये आ जाएगा और फिर अगर मैं सेकेंड को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा बच्चों और अगर मैं थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करूंगा जेड आ जाएगा अगेन वाई बराबर जीरो आ गया और एक्स प्लस जेड बराबर जीरो आ गया तो इसका मतलब ऐसे इन्फाइनट एक्सपायर डेट मिल सकते हैं ना और अगर ऐसे इन्फाइनट मिल सकते हैं तो एक कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स भी मिल सकता है जैसे अगर मैं एक्स को वन ले लूँ वाई को जीरो ले लूँ जेड को माइनस वन ले लूँ तो ये एक ऐसा नॉन जीरो थ्री बाई वन का मैट्रिक्स आ गया जिसको अगर मैं एम से प्री मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे जो है वो एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा यानी ऐसा मुझे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलना पॉसिबल है एक्स दरफॉर सी इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर दरफॉर सी इज़ ऑल्सो द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं ना क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशलिटी से रिलेटेड है और थोड़ा कहीं ना कहीं इसकी जो है हम उन्होंने मैक्सिमम और मिनिमली भी पूछी है इसमें फंक्शन दिया हुआ है जीरो सेवन में डिफाइन है ओपन इंटरवल जीरो टू वन कोडो में उसका आर दिया हुआ है और ये फंक्शन लिखा हुआ है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बस मुझे इनका जवाब देना है ना द फंक्शन एफ इज डिसकंटिन्यूस एक्जेक्टली एट वन पॉइंट इन जीरो टू वन एग्जैक्टली एक पॉइंट पर डिसकन्टीन्यूस है क्या एफ एक्ट इज देर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन जीरो कमा वन एट विच फंक्शन इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफ्रेंशियबल है और ये चेक करना है कि फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट मोर देन मोर देन थ्री पॉइंट्स मोर देन थ्री पॉइंट्स मोर देन थ्री पॉइंट्स मोर देन थ्री पॉइंट्स एन जीरो वन तीन से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हमें निकालना है ना तो बेसिकली इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं हम देखो अगर मुझे इसकी कंटिन्यूटी में डाउट आएगा ना तो ये तो एक पॉलीनोमियल फंक्शन है देखो क्लियर कट ये तो एक पॉलीनोमियल फंक्शन है जो एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूस है मुझे चेक करना है जीरो सेवन में और जीरो सेवन में अगर मैं चेक करूं तो मुझे कंटिन्यूटी के बारे में अगर डाउट होगा तो यहां होगा और बेसिकली अगर डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट होगा ना तो जहां ये डिसकन्टीन्यूस आएगा ना या डिकंटीन्यूस आ सकता होगा वहां मुझे डिफरेंशियबल डाउट क्योंकि जब भी ये कंटिन्यूस होगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना तो हम हो सकता है ऐसा कोई पॉइंट आए जहां कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशियबल नहीं हो वो भी आ सकता है इसके कारण है ना क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिफरेंशियल अपनी चेंज करेगा तो हम कंटीन्यूटी के बारे में डाउट मुझे वहीं आएगा जहां ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा जहां ये इंटीजर बनेगा फोर एक्स अब इसको देखें कि भाई एक्स हमारे पास क्या है लेस देन वन है और ग्रेटर देन जीरो है तो फोर एक्स की अगर मैं बात करना चाहूँ ना तो ये फोर से जीरो के बीच में आएगा तो मुझे क्या देखना है कि एक्स की वो वैल्यू जहां फोर एक्स बन रहा है तो फोर एक्स एक तो वन बन सकता है या फोर एक्स टू बन सकता है या फोर एक्स थ्री बन सकता है अब फोर एक्स वन कब बनेगा एक्स इजिकल टू वन बाई तो फोर ये कब बनेगा फैन एक्स इजीकल टू एक्स इजिकल टू वन बाई तो टू और ये कब बनेगा जब एक्स इजीकल टू थ्री बाई फोर आ जाएगा तो मुझे वन बाई फोर वन बाई टू और थ्री बाई फोर पर डिफरेंशिएशन चेंज करनी है ना यानी एक बार लूंगा मैं एक्स एक वन बाई फोर से छोटा है लेकिन जीरो के बराबर जीरो से बड़ा है एक बार वन बाई टू से वन बाई फोर एक बार थ्री बाई फोर से वन बाई टू और एक बार वन बाई टू से वन ले लूंगा मैंने तो मैंने डिफाइन कर लिया इसको ये ना इस तरह से फंक्शन हमने डिफ़ाइन कर रखा है एक बार जीरो से वन बाई फोर ले लिया जीरो पर ओपन इंटरवल है तो जीरो से वन बाई फोर ले लिया जीरो से वन बाई फोर में जीरो हो जाएगा बच्चों ना फिर वन बाई टू से वन बाई फोर लूंगा तो ये वन हो जाएगा तो फंक्शन ऐसा आ जाएगा फिर वन बाई टू से थ्री बाई फोर लूंगा तो ये टू आ जाएगा और वन से लेकर थ्री बाई फोर लूंगा क्योंकि वन को इंक्लूड नहीं कर रखा है हमने ना तो यहां भी हमने इंक्लूड नहीं करा तो फिर ये थ्री आ जाएगा अब इसमें हम देखेंगे हमें जो डाउट कंटिन्यूटी पे जीरो पे हम बात नहीं कर रहे वन पर हमें बात नहीं करनी तो जहां तक कंटिन्यूटी का सवाल है वन बाई फोर वन बाई टू और थ्री बाई फोर पर मुझे चेक करना है ना तो इसमें देखें वन बाई फोर पर सिंस ये डिसकंटिन्यूस है गारंटीड है ना लेकिन ये कंटीन्यूस है तो जो कंटीन्यूस है उसकी वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है हेड से वन बाई फोर पर कंटिन्यूस आएगा ना वन बाई फोर पर कंटिन्यूस है दिस इज़ कंटीन्यूस एट ए वन बाई फोर हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं वन बाई फोर पर वैल्यू यहाँ से ज़ीरो आ रही है और मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ रही है और यहाँ से भी जीरो आ जाएगी तो कंटिन्यूस आ जाए वन बाई टू पर देखते हैं वन बाई टू पर अगर आप देखें तो ये फंक्शन डिसकन्टीन्यूस है लेकिन जो कंटिन्यूस है उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो वन बाई टू पर भी बच्चों क्या आ गया कंटिन्यूस आ गया है ना

नॉट डिफरेंशियबल कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंशियबल नहीं हो उसको डिस्कस कर लेते हैं अपना तो हम देख रहे हैं इन दोनों पर कंटिन्यूस आया है ना अब जहां तक डिफ्रेंशियबिलिटी की बात है अगर तो एक तो मुझे वन बाई फोर पर चेक करना है और एक वन बाई टू पर चेक करना है ना तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशियट करके देख सकते हैं अपने ना तो ध्यान से देखें अगर हम वन बाई फोर पर चेक करेंगे ना तो वन बाई फोर पर अगर मैं वन बाई फोर एफडे वन बाई फोर प्लस निकालूंगा एक तो मैं एफडोर प्लस निकालूंगा ये निकाल लूंगा ना तो इसको अगर मैं करूंगा तो तो बेसिकली ये फैक्टर रहेगा पूरे डेरिवेटिव के अंदर चाहे एक बार आए चाहे दो बार आए ना ऐसे यहां भी रिपीट पर तो डिफरेंशियबल आएगा ना अगर मैं निकालूंगा ना एफडेस तो अगर यहां से निकालना चाहूं दिख रहा है वैसे आपको एफडेस एक्स अगर मैं निकालना से तो एक तो आ जाएगा एक्स माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई टू और एक आ जाएगा टू इंटू एक्स माइनस वन बाई फोर और एक्स माइनस वन बाई टू आ जाएगा ऐसे भी बोल सकते हैं भाई ये जो है फंक्शन लिखा हुआ है वन बाई फोर इसका रिपीटेड रूट है और वन बाई फोर अगर इसका रिपीटियबल है और वन बाई फोर इसका रिपीटेड रूट है और डिफरेंशियबल है और रिपीटेड रूट, रूट, रूट है तो बेसिकली वन बाई फोर पर फंक्शन की जीरो आएगी और वन बाई फोर पर डेरेडी भी जीरो आएगा तो वन बाई फोर पर यहां से भी ऐसे यहां भी वन बाई फोर रिपीटेड रूट है तो वन बाई फोर पर डेरेडी यहां भी जीरो आएगा यहां भी जीरो आएगा वैसे निकाल के भी देख सकते हैं ये मैंने बताया कि भाई रिपीटेड रूट है और वो डिफरेंशियबल है तो मतलब फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आएगी और उसके डेडी की वैल्यू भी वन बाई फोर पर जीरो आएगी हम वैसे भी चेक कर सकते थे तो यहां तो क्या निकल गया डिफरेंशियबल निकल गया भाई अब वन बाई टू पर आते हैं ना तो वन बाई टू पर अगर हम देखें ना तो यहां से यहां से देखना है ना इसको देखो मैंने डिफरेंशिएट कर रखा है ना फर्क़ क्या पड़ेगा कि अगर मैं इसको डिफरेंशियट कर रहा हूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया है अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो टू रहेगा यहां पर ना यहां टू आ जाएगा और यहां फोर आ जाएगा और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां थ्री आ जाएगा इससे ना और वहां ऑलरेडी कहता टू था तो वहां सिक्स आ जाएगा ना अब मैं वन बाई टू पर निकालता हूं ना तो वन बाई टू पर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो वन बाई टू पर किस पर निकालना है हमें वन बाई टू पर निकालना है ना तो वन बाई टू पर अगर मैं निकालूंगा ना नहीं नहीं वन बाई टू पर बेसिकली ये तो हट जाएगा ना यहाँ से ये हट जाएगा यहाँ से ना ये मैंने गलत किया था ना वो बेसिकली हाँ ऐसा आ जाएगा ना तो वन बाई टू पर देखो ये अलग ये तो जीरो हो जाएगा ऐसे यहाँ भी जीरो आ जाएगा ना समझ में आ गया ना बच्चों वन बाई फोर तो अपन डिस्कस कर चुके अलग से भी ना लेकिन फिर भी मैंने डिफ्रेंशिएट किया इसको मैं दोबारा लिखता हूँ एक बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया हो तो मान लो अगर आपको वन बाई फोर पर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वन बाई फोर में यहां से और यहां से निकालूंगा ना यहां पर डेरेडी भी जीरो आएगा यहां से अगर मैं देखू ना तो वन बाई फोर इसका रिपीटेड रूट है फंक्शन की वैल्यू भी जीरो आएगी और हंड्रेड परसेंट डेरेडी भी जीरो आएगा तो वन बाई फोर पर कंटिन्यूस था डिफ्रेंशियबल भी आ गया अब मैं वन बाई टू पर चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं यहां से और यहां से निकालूंगा तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगर मैं इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएट करने पर देखो क्या आएगा ना यहां से अगर मैं निकालूंगा एफडेस एक्स तो दैट विल बी एक्स माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बाई फोर और इंटू एक्स माइनस वन बाई टू अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ना तो बेसिकली टू का फैक्टर एक्स्ट्रा है बस तो यहां क्या है? यहां टू आ जाएगा और यहां फोर आ जाएगा लेकिन अगर मैं एफडेस वन बाई टू निकालूंगा दोनों में ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा लेकिन वैल्यू वन बाई टू पर यह अलग आएगी और यह अलग आएगी यहां लिखा हुआ है ना टू इंटू इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया बस मैंने सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इस सेम लिख दिया ना तो यह वन बाई टू पर डिफरेंशियबल नहीं आएगा बच्चों दिस इज नॉट एट तो एक ही पॉइंट ऐसा है जहां वो कंटिन्यूस है है ना लेकिन वो नॉन डिफरेंशियबल आएगा ना तो उसको अगर हम ध्यान से देखें इज देखेंग्जेक्टली वन पॉइंट इन जीरो बट नॉट डिफरेंशियबल तो बी इज ऑल्सो करेक्ट है ना और वो पॉइंट कौन सा आ गया हमारे वन बाई टू आ गया ना अब आते हैं फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट मोर देन थ्री पॉइंट्स तीन से अधिक पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं होगा ना नहीं ये तो गलत बात हो गई है ना डाउट ही अपने को बस यहां है ना हम देख रहे हैं हमें डाउट वन बाई टू वन बाई फोर थ्री बाई फोर पर ही डाउट है तो यहां तो क्या, क्या? आ गया डिफरेंशियबल आ गया यहाँ आ गया हमारे पास नॉन डिफरेंशियबल या डिस्कंटिन्यूस है नॉन डिफरेंशियबल आ गया तो एक्जेक्टली दो पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं बस जहाँ वो नॉन डिफरेंशियबल आएगा तो फंक्शन एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट मोर देन ये गलत हो जाएगा अभी दिस अब ध्यान से देखें कि जो फंक्शन हमारे पास है ना इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस ओपन इंटरवल में तो जीरो और वन पर तो देखे ही नहीं अपन और वैसे भी अगर अपन जीरो पर देखेंगे ना तो जीरो और वन पर जो वैल्यू आएगी ना इसकी जीरो पर तो वैल्यू इसकी देखो अगर मैं एक, को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना लेकिन वो जीरो पर अप्रोच कर रही है और वन पर भी अगर मैं निकालना चाहूंगा तो वन पर जो वैल्यू आएगी वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास ना तो मिनिमम वैल्यू मुझे देखनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इस फंक्शन की और उसके लिए हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फंक्शन को तो या तो भाई बाउंड्री पॉइंट पर आता है या उस पॉइंट पर आता है डायरेक्ट जीरो है या है हमारे पास है ना तो इसको डिफरेंशियट अगर मैं करूंगा तो डिफ्रेंशिएट करने पर बच्चों फंक्शन आएगा ना हमारे पास इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएट करने पर देखो ऐसा आ जाएगा वो हमारे पास टू और थ्री के फैक्टर से फर्क पड़ेगा नहीं बेसिकली मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ एक्स माइनस वन बाई फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन बाई टू वो टू और वन टू थ्री के फैक्टर से फर्क नहीं पड़ेगा ना इसको डिफ्रेंशियट करूंगा तो आएगा एक्स माइनस वन बाई फोर होल स्क्वायर इंटू वन प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन बाई फोर और इंटू एक्स माइनस वन बाई टू एंड इजिकल टू जीरो इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देता हूं मैं ना तो यहां से कॉमन ले लूंगा मैं एक्स माइनस वन बाई फोर और यहां से आएगा एक्स माइनस वन बाई फोर एंड प्लस टू एक्स माइनस वन तो एक तो आ गया एक्स इजिकल टू वन बाई फोर और एक आ जाएगा एक्स इजिकल टू थ्री एक्स इजिकल टू फाइव बाई फोर तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास फाइव बाई ट्वेल्व इन दो पॉइंट पर और चेक कर लो आप वन बाई फोर पर फाइव बाई ट्वेल्व पर तो वन बाई फोर पर अगर मैं निकालूंगा तो वन बाई फोर पर तो वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी मिनिमम चाहिए फाइव बाई ट्वेल्व पर निकाल के देखो अब फाइव बाई ट्व आएगा कहां देखो आप फाइव बाई ट्वेल्व किसेंटल में आएगा तो फाइव बाई ट्व अगर मैं निकालूंगा ना तो बेसिकली जीरो पॉइंट फोर समथिंग आएगा ये ना जीरो पॉइंट फोर समथिंग और जीरो पॉइंट फोर समथिंग जो आएगा हमारे पास वो इस सेंट्रल में आ जाएगा ना इस सेंट्रल के अंदर आ जाएगा बस यहाँ फाइव बाई ट्वेल्व रख के देख लो आप और फाइव बाई ट्वेल्व अगर मैं रख के देखता हूँ यहाँ पर है ना फाइव बाई ट्वेल्व में रख के देख लेता हूँ यहाँ पर और वैल्यू क्या आती है वो निकाल के देखता हूँ ना कहाँ रखूंगा मैं इसी में रख देता हूँ फाइव बाई ट्वेल्व यहाँ रखना है मुझे ना क्योंकि वो जो इंटरवल था फाइव बाई ट्वेल्व जिसमें आ रहा था उसमें फंक्शन ही था ना तो फाइव बाई ट्वेल्ल्व अगर मैं तो फाइव बाई और इसको थ्री बाई ट्वेल्व कर देता हूँ ना वन बाई फोर को और ये फाइव बाई ट्वेल्व आ गया और इसको लिख देता हूँ मैं सिक्स बाई ट्वेल्व और अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वहां से टू आएगा वन बाई सिक्स से थर्टी सिक्स आ जाएगा ना और यहां से अगर मैं निकालूंगा तो वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा ना वन बाई ट्वेल्व माइनस वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा ना बट इसको कैलकुलेट कर लो माइनस वन अपॉन फोर थ्री टू तो माइनस वन अपॉन फोर थर्टी टू आ जाएगा ये इस फंक्शन की वैल्यू आएगी बच्चों ना दिस इज द मिनिवेल्यू ऑफ दैट फंक्शन माइनस माइनस वन फोर थ्री टू दिस इज इनकरेक्ट तो ओनली करेक्ट आंसर्स आर ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर्स तो ए और बी करेक्ट आ जाएंगे बच्चों ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन पर आते हैं ना थोड़ा ये बस कॉन्केविटी uh, वगैरह के बारे में आइडिया होना चाहिए था उससे हो जा सकता था सवाल ये लेट एस बी येट एज विशियबल फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है जो आर से आर से में डिफाइन है फ्रॉम आर टू तो आर सच दैट डबल डेटी जो है पॉजिटिव है उनका फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन कमर वन जो भी फंक्शन हमारे पास है वो ट्वाइस डिफरेंशियबल है और माइनस वन से वन ओपन इंटरवल जो है उसमें डबल डिलिटी उनका पॉजिटिव है यानी कॉन्केविटी उनका अपवर्ड रहेगा ना फॉर एफ बिलोंग्स टू एस यानी एस को बिलोंग करने वाले फंक्शन का मतलब क्या है जो ट्वाइस डिफरेंशियबल है और जिनका डबल डिलिटी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है माइनस वन से वन के अंदर उस तरह के फंक्शन की बात कर रहे हैं जिनका माइनस वन से वन में डबल डिलिटी पॉजिटिव आ रहा है कॉन्केविटी अपवर्ड है और जो है वो ट्वाइस डिफरेंशियबल है

ये मैंने डायग्राम बना लिया यहां पर ये हम देख सकते हैं ये वाई बराबर एक्स का डायग्राम बना लिया देखो आपने दिस इज वाईजल हम बात कर रहे हैं एक्सिकल टू वन से ओपन इंटरबल एक्सिकल टू वन टू ओपन इंटरबल एक्सिकल टू माइनस वन यानी वन और माइनस वन की बात नहीं कर रहे है ना अब माइनस वन से वन में जो भी हमें फंक्शन चाहिए ना जो सेट एक्स के अंदर है वो सब ट्वाइस डिफरेंशियबल है और कॉन्कीविटी अपवर्ड है ना तो देखो अगर डायग्राम फंक्शन का ऐसा बना

और लाइन वाई जिकल टू एक्स ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा ना तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जीरो आ जाए ना अगर मैं इस तरह के डायग्राम की बात करूंगा अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं अगर मैं इस सेकंड वाले डायग्राम की बात करूं इस वाले डायग्राम की तो लाइन को टच कर रहा है ना तो माइनस वन से बन में एक पॉइंट आ जाएगा ना तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वन भी आ सकते हैं हमारे पास और अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो यहाँ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो भी आ सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो भी आ सकते इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ दो आ जाएंगे हमारे पास दो से ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ सकते क्योंकि वो कौन के अपवर्ड है हमारे पास है ना अम जरूरी कौन के अपवर्ड हमेशा इंक्रीजिंग हो अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करता ना तब तो अभ्यस से बात है फिर एक ही आता है ना अगर वो एक ही आता अगर मैं माइनस वन से बन में कोई कौन के अपवर्ड बनाऊं और डिक्रीजिंग होगा तो फिर वो एक ही आएगा हमारे पास डायग्राम ऐसे ही बनेगा ना तो एक ही बार कट करेगा ना तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है बस हमने इंक्रीजिंग में देख लिया है डिक्रीजिंग में भी देख लिया ना अब देख सकते हैं अपन एग्जिस्ट फंक्शन सच दैट है बिल्कुल सही है ना हो सकता है एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आए फॉर एवरी फंक्शन एफ जो एस को बिलोंग कर रहा है एंड जो ट्वाइस डिफ्रेंशियबल है और जो माइनस वन से वन में कौन के अपवर्ड है वी हैव एक्स सब बिल्कुल सही है बात भी है ना पर दो से अधिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकते है ना देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ जो एस को बिलोंग करता है सैट so एफ ये भी बिल्कुल सही है दो भी आ सकते हैं ना एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन एफ इन एस सच दैट ये तो गलत हो गया है ना फंक्शन तो आ ही सकता है और टच करने वाला आ जाएगा ना भाई टच करने वाले से क्या आ जाएगा एक पॉइंट आ जाएगा नंबर ऑफ अगर मैं टच कराऊंगा तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे व एक पॉइंट आ जाएगा इस वाले केस में वो एक आ जाएगा हमारे पास तो ऐसा फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा ना तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया इसका मतलब तो करेक्ट आंसर आर ए बी सी ए बी सी आर द करेक्ट तो रहा ऑब्जर्वेशन बेस था थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होती है हमारे को कि कॉन्केविटी अपवर्ड का मतलब ये डबल एडी पॉजिटिव का मतलब कौन के अपवर्ड तो ये आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ये सेक्शन थ्री पर आ गए हम ट्वेंटी फोर मार्क्स का सेक्शन है और इसमें सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हमारे पास है और प्लस फोर आएगा या फिर जीरो आएगा आपके ना तो ट्वेंटी फोर मार्क्स का सेक्शन है ना है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन तो फोर एक्स बिलोंग्स टू आर लेट टन इनवर्स एक्स का हमें दे रखा है हम जानते हैं लेकिन वो परंपरा ऐसा मैंशन करते हैं ताकि कोई डाउट नहीं होना देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ जो आर से आर में डिफाइन है

टी को रिप्लेस करूंगा मैं अपर लिमिट से यहां भी मैंने टी को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से वन प्लस एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स और ये कितना हो जाएगा होल पावर ट्वेंटी थ्री हो जाएगा ना नॉट डेरिवेटिव अपर लिमिट तो पटेल टू लगाना पड़ेगा एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशियट करने के लिए तो पहले मैंने एक्स को डिफ्रेंशियट कर दिया बाद में एक्स को लिखा एरिडिस और अब टेन इनवर्स एक्स को डिफरेंशियट कर दिया एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मैं पॉइंट ऑफ मैक्मा निकालने की कोशिश करता हूं तो एफडस एक्स बराबर जीरो करती है ना अब हम ध्यान से देखें कि भाई ये जो वैल्यू है ना ये तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो नहीं सकता ना ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और हम देख सकते हैं कि भाई ये जो है अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और अगर एक्स जीरो होगा तो भी जीरो आ जाएगा यानी ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है हमारे पास दिस इज़ पॉजिटिव ऑलवेज अब बात करते हैं इसकी तो देखो अगर एक्स पॉजिटिव होगा ना तो ये पॉजिटिव और ये वैल्यू भी पॉजिटिव तो जीरो आ नहीं सकता एक्स नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो यानी अगर हम चाहते हैं जीरो आ जाए तो एक्स बराबर जीरो इज द ओनली पॉइंट जहाँ डायरेटिव जीरो हो सकता है ना और अगर डायरेटी जीरो हो सकता है तो मिनिमम वैल्यू इसकी ये आएगी इसका मतलब है ना क्योंकि अगर मैं जीरो के बाद जाऊँगा ना तो जीरो के बाद डायरेटी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि तो ये पॉजिटिव जीरो के पहले डायरेडी नेगेटिव आ जाएगा तो जीरो के बाद डायरेडी पॉजिटिव बन रहा है और जीरो के पहले डायरेडी नेगेटिव बन रहा है यानी वो क्या कर रहा है पहले डिक्रीज़ कर रहा है बाद में इनक्रीज़ कर रहा था तो मिनिमम आ गया मतलब हमारे पास तो इस जीरो पर ही वैल्यू मिनिमम आएगी इसकी तो मैं अगर मैं एफ एफ फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो विल कैलकुलेट सिंपली एफ एक्स बराबर जीरो एफ ऑफ जीरो निकाल लूंगा मैं और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों जीरो आ जाएगी जैसे मैं एक्स बराबर जीरो लिखूंगा फंक्शन के अंदर अगर मैं एक्स बराबर जीरो लिखूंगा तो जीरो से लेकर जीरो आ जाएगा वो और एफ ऑफ जीरो विल कम आउट टू बी जीरो तो ये भी अगेन हमने इंटिकल को डिफरेंशियट किया है लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल किया है इसके अंदर ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर नाइन पर आ गए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आ गया और अभी भी पहला सवाल भी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और लेबनीज थ्योरम का इस्तेमाल किया था हमने जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई एक्स निकालनी है ना तो इसमें हम पहले लीनियर बनाने के लिए एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड कर देते हैं ना अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को देखूं तो ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है मुझे लीनियर बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से तो सिंपली ऐसा आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से डिवाइड करने के बाद इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया ई रेस्ट पावर माइनस साइन ऑफ इंटिकल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा बच्चों और बस यहाँ से निकाल सकते हैं हम इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसको मैं इंटीग्रेट कर लूँगा इस एक्सप्रेशन को और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लूंगा ना तो ये कितना आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस एलन ऑफ मॉडल्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव तो बेसिकली वन अपन मॉडल्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव आ गया है अब लिख सकता हूं मैंने ना द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इंटू फैक्टर साइन ऑफ इंटिकल और जो एक्सप्रेशन था क्यू जिसको बोलते हैं अपन ये कॉपी कर लिया मैंने और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है ना ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं इसको ना इंटीग्रेट करने के बाद कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है बाद में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं अपन अब यहां दो केस कंसिडर कर लेते हैं एक बार मैं एक्स स्क्वायर को फाइव से बड़ा मान लेता हूं तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम वाई इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और ये एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से एक्स स्क्वायर माइनस फाइव कैंसिल हो जाएगा माइनस का टू एक्स बचेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और हमें कुछ कंडीशन दे रखी है शायद वाई ऑफ टू बराबर सेवन दे रखा है ना तो वहां से यूज़ करके मैं सी निकाल सकता हूँ तो सिंस वाई ऑफ टू बराबर सेवन मतलब अगर मैं एक्स को टू रखूंगा तो वाई को सेवन रख दूंगा ना तो ये आगे कैलकुलेट कर रखा है हमने ना एक्स बराबर टू रखा मैंने तो वाई बराबर सेवन आ जाएगा ना एक्स बराबर टू रखूंगा ना तो वाई बराबर सेवन तो सेवन अपॉन टू रखूंगा तो माइनस वन आएगा और एक्स को मैं टू रख रहा हूं तो माइनस फोर आ जाएगा और प्लस सी तो यहां से आएगा सी इजिकल टू माइनस थ्री सी टू आ जाएगा माइनस थ्री और सी को अगर मैं माइनस थ्री रख दूंगा तो देखो यहां से जो फंक्शन आने वाला है सी को अगर मैं माइनस थ्री ना तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यहां का माइनस साइन में एडजस्ट कर दूंगा तो उससे वो जाएगा फाइव माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स 3, तो ये फंक्शन आ गया है ना अगर मैंने एक्स स्क्वायर को फाइव से बढ़ा लिया है तो ना और अगर मैं यहां से देखूंगा तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं फाइव से बढ़ा ले रहा हूं तो ऐसा आ जाएगा ना और अगर हम ध्यान से देखें कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस फाइव से कम लूंगा तो फिर वो मोड़ फाइव माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा वो वो फाइव माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फाइव माइनस एक्स स्क्वायर आने पर वो नेगेटिव uh, से कैंसिल होगा ये फाइव माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ये फाइव माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस सैन आगे इंट्रोड्यूस होगा लेकिन प्लस टू एक्स हो जाएगा मतलब वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अगेन मैं आपस बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री और जैसे सी थ्री आएगा मतलब कैसे भी निकाल लो फंक्शन ये आ जाएगा हमारे बार अल्टीमेटली ना और मुझे क्या करना है अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना तो मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करने पर यह आ गया इसी को ऐसे या तो डिफ्रेंशेट करके निकाल लो ये इसको ऐसे, ऐसे लिख लो माइनस एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया एंड प्लस वन माइनस वन और प्लस फिफ्टीन आ गया है ये ये वन सेवन कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर फोर ये आ जाएगा तो ये माइनस वन से बाहर माइनस साइन प्लस वन सिक्सटीन हो जाएगा तो इसको लिख सकता हूं मैं सिक्सटीन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कितना आ जाए मैक्सिमम आ जाए तो मैक्मम वैल्यू ऑफ वाई या मैक्म वैल्यू एफ एक्स विल भी सिक्सटीन जो एक्स बराबर वन या एक्स बराबर माइनस वन पर आएगी तो डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते थे अपन तो सिक्सटीन आ जाएगा बच्चों इसका आंसर है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर सिक्सटीन आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पर अगेन थोड़ा पेंट से का यूज भी होगा प्रॉबलिटी का भी यूज होगा इसके अंदर ना लेट एक्स विद ऑफ ऑल फाइव डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग डिजिट डिजिट हमारे पास कितने हैं तीन और दो पांच और दो सात डिजिट हमारे पास है ना और इनसे मुझे पांच डिजिट का नंबर बनाना है ना तो उन्होंने नंबर जो बनाना है पाँच डिजिट का उसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ना कि वो ये एक्सेप्टेबल है वाइल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना मतलब उन्होंने इससे ये बताया कि तो नंबर पांच डिजिट का है तो फर्स्ट प्लेस पर जीरो नहीं आएगा भाई एक तो ये समझ में आ गया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे समझ में आया कि अगर दो बार चार है ना हमारे पास तो जितनी बार यहाँ कोई डिजिट लिखा हुआ है उससे अधिक बार उसका यूज नहीं कर सकते अपन है, है ना जैसे अगर मैंने मेरे पास दो तीन बार लिखा हुआ है तो दो का यूज में तीन से अधिक बार नहीं कर सकता वन का यूज में एक ही बार करूंगा जीरो का यूज में एक ही बार करूंगा और चार का यूज में दो बार करूंगा तो मुझे पांच डिजिट के नंबर निकाल लेना आगे बढ़ते हैं सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चोजेन लेट पी बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन एलिमेंट चोजेन एट रैंडम इज अ मल्टीपल ऑफ 20 एंड गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया एक तरह से ना तो हमें क्या करना है कि जो कंडीशन प्रॉब्लिटी है उसमें सैंपल स्पेस क्या हो गया कि जो नंबर मैं पांच डिजिट के बना रहा हूं वो पांच के मल्टीपल हो ये सैंपल स्पेस हो गया अब उनमें फेवरेबल क्या है हमारे लिए कि वो जो नंबर पांच के मल्टीपल आ रहे हैं उनमें से ट्वेंटी के मल्टीपल कितने आ रहे हैं ना तो उन पांच के जो मल्टीपल आ रहे हैं उनमें ट्वेंटी के मल्टीपल मैं काउंट कर लूंगा तो ट्वेंटी के मल्टीपल मेरे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे और जो पांच के मल्टीपल हैं वो हमारे लिए सैंपल स्पेस का रोल प्ले करेगा ना तो हम पांच डिजिट का नंबर बना रहे हैं और वो इस तरह से बना रहे हैं कि वो फाइव का मल्टीपल आ जाए ना अब मैं फाइव का मल्टीपल चाहता हूं तो भाई हमारे पास एक ही प्लेस है यूनिट प्लेस पर एक ही आ सकता है बस जीरो आ सकता है तो जीरो को रख दिया बस मैंने यहां पर अब मैं फाइव डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम देख सकते हैं जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है वो ये पॉसिबिलिटी है ना कि हम यहां पर एक तो मैं वन यूज कर लूं या तो मैं वन का यूज करूं या मैं वन का यूज नहीं करूं तो मैंने एक बार क्या करा तीनों बार दो ले लिया ना अगेन फिर मैं ऐसा कर सकता हूं या मैंने जीरो को फिक्स कर दिया वन को ले लिया अब मैं दो बार दो ले लेता हूं एक बार चार ले लेता हूं या फिर मैं कर सकता हूं या जीरो ले लेता हूं और मैं दो बार चार ले लेता हूं आपकी बार ऐसा कर लेता हूं ना ठीक है ना तीनों दो आ गए दो बार दो आ गया एक बार दो आ गया या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं ना अब मैं वन का यूज ही नहीं करूंगा ना तो जब मैं वन का यूज नहीं करूंगा ना तो मुझे टू और फोर का इस्तेमाल करना है तो तीन बार में दो ले लूंगा ना और एक बार चार ले लूंगा ना या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं एक केस में यह बना सकता हूं ना वन टू थ्री फोर फाइव दो बार दो ले लेता हूं और दो बार चार ले लेता हूं तो बेसिकली ये सिंपल स्पेस का रोल प्ले करेगा हमारे ना अब देखो इसकी काउंटिंग देखते हैं अपने ना इसकी काउंटिंग क्या आएगी तो जीरो को तो फिक्स कर रखा है हमने अभी चार मैंने अरेंज करे फोर फैक्टर अपॉन थ्री फैक्टर यानी चार आ जाएगा ये क्या देखते हैं ना जीरो को फिक्स कर रखा है और फोर फैक्ट्रल अपॉन टू फैक्ट्रल तो ट्वेल्व आ जाएगा बच्चों ना ट्वेल्व नंबर बन जाएंगे ना अगेन यहाँ देखें अगर हम जीरो को फिक्स कर रखा है मैंने अगेन फोर फैक्ट्रोल अपॉन टू फैक्ट्रल फिर ट्वेल्व आ जाएगा अब यहाँ जाते हैं अपने ना तो फोर फैक्ट्रल अपॉन थ्री फैक्ट्रल ये आ जाएगा चार हमारे पास और अब यहाँ जाते हैं तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों फोर फैक्ट्रोल अपॉन टू फैक्ट्रल टू फैक्ट्रल तो ट्वेंटी फोर अपॉन फोर इज सिक्स सिक्स आ जाएगा ना तो जो टोटल फाइव के मल्टीपल आ गए ना वो कितने आ गए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर के बाद ये थर्टी फोर और फोर थर्टी एट आ गए ना तो बेसिकली ये तो क्या हो गया हमारे लिए सिंपल स्पेस हो गया ना थर्टी एट एलिमेंट आ गए हमारे पास टोटल जो आ गए दीज आर थर्टी एट यानी हमारे लिए जो रिडक्शन रेद। इन सैंपल स्पेस हुआ ना सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया हमारे पास और हमने उनमें उन्हीं को काउंट किया जो पांच के मल्टीपल है तो थर्टी एट आ गए बच्चों हमारे पास है ना ये लग भी रहा है कि भाई कोई पी की वैल्यू आएगी और डिनोमोटर में थर्टी आएगा तो थर्टी एट पी निकाल लेंगे ना अब इनमें से मैं थर्टी में से वो निकालना चाहता हूं जो ट्वेंटी के मल्टीपल है है ना ट्वेंटी के मल्टीपल है तो ध्यान से देखो आप आपकी भाई हमारे पास इसमें एक तो ये कैटेगरी हो गई ना एक तो ये वाली कैटेगरी हो गई ये नंबर मैंने निकाले एक तो है ना ये नंबर निकाले मैंने एक कैटेगरी हो गई और दो केस हमने इस कैटेगरी के बना लिए ना दो केस हमारे पास इस कैटेगरी के हो गए ये पांच के मल्टीपल बनाए ना तीन केस तो ये बने और दो केसे बन गए हमारे पास तो दस ये नंबर बनेंगे ना बच्चों इन सब में यहां जीरो तो रहेगा ही रहेगा लेकिन मैंने इसमें और इसमें वन का यूज नहीं करा इसका मतलब यहां जो नंबर बनेगा तो टू आएगा या फोर या तो या फोर आया होगा या टू आया होगा ये जो चार नंबर बनेंगे इनमें या तो टू आएगा या फोर आएगा अब चाहे टू आए चाहे फोर आए वो ट्वेंटी का मल्टीपल होगा या टू आए या फोर आए ट्वेंटी का मल्टीपल तो ये दस नंबर तो ट्वेंटी के मल्टीपल आ गए कि न अड़तीस में से ना अब देखो इनमें क्या होगा ये जो तो चार नंबर बनेंगे ना इसमें क्योंकि वन अवेलेबल हमार है हमारे पास यहाँ तो इन नंबर में, में, में जब यहाँ वन आएगा ना बच्चों यहाँ वन आएगा यहाँ वन आएगा यहाँ वन आएगा तो वो हमारे पास ट्वेंटी का मल्टीपल नहीं होगा तो अपन तो क्या करते हैं यहाँ से काउंट कर लेते हैं ना इसके कोरोस्पॉ वन टू थ्री फोर फाइव जीरो को फिक्स कर दिया वन को फिक्स कर दिया फिर अगेन वन टू थ्री फोर फाइव जीरो को फिक्स कर दिया वन को फिक्स कर दिया और एक इस वाले केस पर आ गए थ्री फोर फाइव जीरो को फिक्स कर दिया वन को फिक्स कर दिया अब ये जीरो मैंने फिक्स कर दिया वन को फिक्स कर दिया अब तीन प्लस बचे मेरे पास और तीनों को तो यहां से एक ही नंबर बनेगा टू 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 वाला नंबर बन जाए यहां से एक ही नंबर बनेगा बच्चों जो ट्वेंटी का मल्टीपल नहीं आया इन चार में से एक ही नंबर बना बस यहां से इसमें क्या अगर हमने वही वन फिक्स कर दिया अब कितना बचे दो तो दो बचे और एक चार बचा तो थ्री फैक्टोरियल अपॉन फोन टू फैक्ट्रल कितना आ गया तीन आ गया तीन नंबर यहां से मिलेंगे मुझे से इन बारह में से तीन नंबर मुझे ऐसे मिले जो ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं है हम ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं है वो काउंट कर रहे हैं ना अब अगर यहां देखते हैं तो जीरो वन को मैंने फिक्स कर दिया अब दो चार बचे और एक दो बचा इन तीन प्लेस पर अरेंज करने के लिए वापस यहां से कितने आ गए फिर तीन आ गए ना तो थ्री और थ्री सिक्स और एक सेवन तो सेवन आ गए हमारे पास नहीं नहीं इसमें से ये हमारे पास ट्वेंटी का मल्टीपल हाँ हमें चाहिए ना तो ये ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं है ये ट्वेंटी के मल्टीपल है दस तो ये हो गए अब चार में से मैंने एक निकाल दिया तो तीन मेरे काम के बचे यहां से बारह में से तीन निकाल दिए तो या नौ बचे हमारे पास बारह में से फिर तीन निकाल दिए तो फिर नौ बचे तो एटीन एटीन के बाद कितना आ गया है एटीन के बाद आगे ट्वेंटी वन और टेन थर्टी वन हो गया है यानी थर्टी एट में से थर्टी वन जो है हमारे पास ट्वेंटी के मल्टीपल आएंगे ये ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं थे इन चार में से एक ट्वेंटी का मल्टीपल नहीं था तो तीन बचे ट्वेंटी के मल्टीपल इन बारह में से तीन ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं है नौ बचे इन बारह में से तीन ट्वेंटी के मल्टीपल नहीं है नौ बचे तो तीन ये ट्वेंटी के मल्टीपल ट्वेंटी के मल्टीपल ट्वेंटी के मल्टीपल इनकी काउंटिंग कितनी आ गई ये आ गए हमारे पास ट्वेंटी uh, वन और रिटर्न आ गए थर्टी वन हो गए मतलब तो रिक्वायर्ड फॉर इज दिस दिस इज थर्टी एट अपॉन और थर्टी वन फॉर थर्टी एट पीज थर्टी वन ये आंसर आ गया बच्चों ने हालांकि मैंने आगे दिखा रखा था सोल्यूशन इसका लेकिन पूरा मैंने सोल्व करके दिखा दिया वो आपको ये सब मैंने दिखा दिया आपको ना जो कैलकुलेट करके वो सारे केस बना के दिखा दिए ना थर्टी वन आ गया इसका आंसर थर्टी वन आ गया ना। थोड़ा सा ठीक सा मॉडरेट टाइप मान सकते हैं वरना ना कंसंट्रेशन चाहिए था, था, था इस सवाल में ना क्वेश्चन नंबर इलेवन पर आते हैं बच्चों ना लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड एट बी दटाइज इज अवर रेगुलर ऑक्टेगन दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस टू लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड लेट पी आई डिनोट एंड लेट पी आई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड ए आई फॉर आई जिकल टू वन टू एट पी वेरीज अवर द सर्कल मैक्सिमम वैल्यू द प्रोडक्ट इज ये हमें कैलकुलेट करना है ना तो बेसिकली क्या है हमें ऑक्टागन के वटाइस चाहिए एट और वो सब एक सर्कल की सर्कम फ्रेंस पर लाई कर रहे हैं जिसका रेडियस टू यूनिट के बराबर है फिर उस सर्कल की सर्कम फ्रेंस पर कोई पॉइंट पी ले लूंगा मैं और उस पी पॉइंट की आठ वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालूंगा तो उनका जो प्रोडक्ट है वो उसकी मुझे मैक्म वैल्यू चाहिए ना अब अगर हम ध्यान से देखें हमें इंपॉर्टेंट ये कि ऑक्टागन के वटासीज भी चाहिए और रेगुलर ऑक्टागन है हमारे पास और उसमें वो उनका जो सरकम सर्कल आएगा उसका रेडियस टू यूनिट आना चाहिए ना रेडियस अगर वन यूनिट चाहिए होता मुझे तो मैं जेड टू द पावर एट बराबर वन इसके रूट निकाल लेता ना और जो यूनिटी के एट रूट आएंगे उन सब से एक एट साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा लेकिन उसके सरकम सर्कल का जो रेडियस आएगा या सरकम रेडियस आएगा वो वन यूनिट आएगा हमें चाहिए कि उस सर्कल का रेडियस टू यूनिट आ जाए ना तो बेसिकली उसके लिए हमें इस इक्वेशन के रूट कंसिडर करने पड़ेंगे जेड टू द पावर एट माइनस टू रेस्ट टू पावर एट बराबर जीरो यहां से जो एट वैल्यूज आएंगी वो सब एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर लड़ाई करेंगी और उन सबका जो मॉडल्स आएगा वो टू के बराबर आएगा है ना यानी यहां से जो भी जेड आएगा जो जेड आएगा यहां से वो जो जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाँ उस पॉइंट को उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है और जिसका रेडियस जो है वो टू यूनिट के बराबर है अब इसके मैं रूट निकाल सकता हूं इसके अगर मैं रूट निकालूंगा तो ऑक्टागन के एट वर्टेक्स तो आ ही जाएंगे ना जो भी यहां से जेड आएगा वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होगा जिसका मॉर टू के बराबर होगा यानी उसके रेडियस टू के बराबर होगी तो यहां से निकाल सकता हूं जेड इजिकल टू टू रेस्ट पावर एट होल पावर वन बाय एट इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं टू इन टू वन टू द पावर वन बाई एट इसको मैंने ऐसे लिख लिया ना और ये एट रूट ऑफ यूनिटी हो गए तो इसको जानते हैं हम लोग

हमें क्या करना है कि ये जेड भी जो है वो सर्कल की सरकम फ्रेंस पर लाई कर रहा है जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल बना लिया इसका सेंटर मैंने ओरिजिन ले लिया और मैंने मान लिया जैसे ये हमारे पास टू है ना ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये टू है फिर कहीं यहाँ टू अल्फा आ जाएगा हमारे पास फिर यहाँ टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास तो मैंने मान लिया कि ए वन है हमारे पास ये ए टू है ये, है, ये थ्री ए थ्री मान लिया ऐसा ऑक्टागन बन जाएगा हमारे पास और ये जेड भी क्या कर रहा है इस सर्कल पर लाई करने वाले किसी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो जैसे मैंने मान लिया कि पी हमारे पास यहां है ना मान लो कहीं भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है अब इसकी मैं ए से डिस्टेंस निकालूंगा फिर ए टू से निकालूंगा फिर ए थ्री से निकालूंगा जो डिस्टेंस है हमारे पास है उनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम चाहिए मुझे तो अब इससे बात है पी किसी वर्टेक्स पर तो नहीं आ सकता ए वन ए टू ए थ्री पर वरना जो प्रोडक्ट है जीरो आ जाएगा ना अब हमने क्या कहा दोनों तरफ वॉन्ड ले लिया यहाँ पर वॉन्ड लेने पर ही आ गया हमारे पास तो ध्यान से देखें ये जो मॉडल्स है ना बेसिकली यही पी ए वन बोल रहे हैं अपन क्योंकि तो हम बोल रहे हैं कि ए वन के कॉरस्पॉन्डिंग टू आ गया ए टू के कॉरस्पॉन्डिंग टू एल्फा आ गया तो बेसिकली ये पी वन पी ए वन हो गया पी और ए वन के बीच में डिस्टेंस ये पी और ए टू के बीच में डिस्टेंस हो गई और ये पी और एट के बीच में डिस्टेंस हो गई ना तो पी ए वन इंटू पी ए टू इंटू पी ए एट हो गया और मुझे ये प्रोडक्ट ही मैक्सिमम करना है अब मैं ये प्रोडक्ट मैक्सिमम करूँ

जेड टू बोल रहा हूँ मैं टू रेस्ट पावर एट को इसको क्या लिख सकता हूँ सकता हूं इसको लिख सकता हूँ ना hmm. मौर तो जो प्रोडक्ट आया बच्चों उसकी वैल्यू टू रेस्ट पावर नाइन आ गई दैट इज फाइव वन टू तो फाइव वन टू इज द आंसर इसका आंसर फाइव टू आ जाएगा ना ठीक है बच्चों